हरियाणा प्रशासनिक सेवा के नव नियुक्त अधिकारी डॉक्टर सुभाष प्रजापति का उनके पैतृक गांव काकोत पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े की थाप पर फूल मालाएं पहनाकर डॉक्टर सुभाष प्रजापति का अभिनंदन किया। डॉक्टर सुभाष प्रजापति ने भी चरण स्पर्श कर अपने गुरुजन और बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। डॉक्टर सुभाष प्रजापति का अभिनंदन करने के लिए काकौत में एक समारोह का आयोजन भी किया गया था। प्रशासनिक सेवा में जाने से पहले डॉक्टर सुभाष प्रजापति एक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे थे। डॉक्टर सुभाष प्रजापति ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनका लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का रहेगा। उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में भ्रष्टाचार को रोकने का संकल्प भी व्यक्त किया। डॉक्टर सुभाष प्रजापति ने युवाओं को नशे से दूर रहकर अच्छी शिक्षा और संस्कार ग्रहण करने की प्रेरणा दी। आइए जरा डॉक्टर सुभाष प्रजापति की यह बाइट सुन लेते हैं। सम्मान दिया और इसका मैं श्रेय अपने माता पिता, अपने गांव के गुरुजन और अपने गांव की स्पीकर धरती को देता हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा आशीर्वाद से संचित रखा और मैं इस सफलता को आज पा सका हूँ। मैं गांव वासियों बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और यह भी आशा करता हूँ कि अगले जन्म में भी मुझे इसी गांव में पैदा किया जाए, क्योंकि इस गांव से मेरा दिल से नाता है। सर्विस के दौरान मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि मैं पंक्ति में अंतिम जो व्यक्ति खड़ा है, यानी कोई भी योजना है उसका जो अंतिम लक्ष्य होता है वहाँ तक पहुँचने का मेरा उद्देश्य रहेगा। बिना किसी भेदभाव के अपने दिल से गरीब व्यक्ति है योजना का लाभ उस तक पहुँचे, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। और समाज को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमेशा कार्य करता रहूँगा, कहीं भी अपने लिए कुछ नहीं करूँगा और समाज के लिए हरदम तैयार रहूँगा। 24 घंटे मेरी मुझे सेवा का मौका दिया है परमात्मा ने, सरकार ने, तो मैं इस पर पूरे रूप से खरा उतरूंगा। समय की जब मैंने एज ए प्राइमरी टीचर ज्वाइन किया, उस दौरान मैंने सर्वे किया गांव का, गांव प्योदा में, तो उस दौरान मैंने घर घर में जाकर देखा कि योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पाता, गरीबी इतनी है, नशाखोरी इतनी है कि वहाँ से लोग अशिक्षा के कारण नशे की गर्त में है, गरीबी के अंदर है। मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि उस विद्यार्थी तक, उस व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा कि जहां तक पहुंच नहीं पाया है, बिना किसी भेदभाव के वहां तक मैं कार्य करूंगा। प्रशासनिक अधिकारी जो बीच की कड़ी होता है, ऊपर स्तर का और निचले स्तर का, तो इस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा पता होता है कि कहाँ भ्रष्टाचार है, तो मैं इसके खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ूंगा और जहाँ तक मेरी ड्यूटी रहेगी वहाँ किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। योजनाओं का आपका करियर कानून के अनुसार पूरी तरीके से लागू होगा और गांव मेरे लिए रहेंगे एज ए प्रशासनिक अधिकारी, उसी तरीके से मेरा गांव भी रहेगा, क्योंकि गांव का और दूसरे गांव के साथ मैं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा के लिए गाँव में युवा संगठन है उनको बढ़ावा दिया जाएगा, गांव में इसी तरीके से नशे के खिलाफ रैलियाँ भी निकाली जाएगी, लोगों को प्रेरित किया जाएगा, एजुकेशन के प्रति उनको लाभ बताए जाएंगे कि एजुकेशन के किस प्रकार के लाभ हैं और नशे के कारण हमारा एक, यदि घर में एक व्यक्ति नशा करता है तो उसका पूरा ही परिवार उजड़ता है। इसके खिलाफ मैं पूरी तरीके से कार्य करूँगा कि वो अपने परिवार का मान बढ़ाने के लिए अपने शिक्षा के स्तर को बढ़ाएं और नशे से दूर रहें, अपने संस्कारी जीवन को अपनाएं। एजुकेशन सिस्टम में जो कमी है उनके लिए टीचर्स को मोटिवेट किया जाएगा, टीचर्स के साथ में जो अभिभावक हैं, कि जहां स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है उस दौरान देखा जाता है कि अक्सर माँ बाप को नहीं बुलाया जाता, और मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि उस पेरेंट्स टीचर मीटिंग को पूरी तरीके से लागू किया जाए। माँ बाप का, हर माँ बाप का नंबर स्कूल के अंदर रहेगा जिस भी क्षेत्र में मेरी ड्यूटी रहेगी, और इसको कारगर बनाया जाएगा ताकि एक्सपेरिमेंट सेंटर तो मैंने अनुभव नहीं किया, क्योंकि सरकार में जो LEP है, कैचअप प्रोग्राम है, सक्षम योजना है, क्योंकि मेरे पास भी 5वीं कक्षा रही है, 2वीं कक्षा रही है, कि सक्षम योजना है, LEP योजना है, या कैचअप प्रोग्राम है, CRP प्रोग्राम है, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई बार क्या होता है कि टीचर्स या कोई और व्यक्ति इसमें रुचि नहीं लेता, जब दिल से रुचि आएगी, जब आत्मा से हम काम करेंगे तो कोई कमी नजर नहीं आती हमें।
दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। डॉक्टर सुभाष प्रजापति को शुभकामनाएं देने के लिए दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।